आइए एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं अखिलेश यादव के सांड समाचार। जी हां, तमाम राजनीतिक उथल पुथल के बीच अखिलेश यादव ने एक बार फिर सबका ध्यान अपने सांड समाचार की तरफ खींच लिया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मंगलवार को विजयदशमी पर रावण दहन और मेले का आयोजन किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर राज्य में बढ़ रहे आवारा पशुओं के आतंक को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। राज्य में लगातार बढ़ रहे आवारा पशुओं की संख्या को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाया है। दरअसल अखिलेश यादव ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें 4 से 5 बैल मेलों में घुसकर उत्पात मचाते देखा जा सकता है। इस दौरान कुछ बैल आपस में भिड़ जाते हैं और पुलिस उन्हें दूर करने की कोशिश करती है। पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि प्रशासन का कार्य मेलों के लिए न केवल अनुमति देना बल्कि सुरक्षा व्यवस्था देखना भी होता है। यदि मेले में खुले घूमते हुए अन्य पशु मेला प्रशासन और पुलिस को नहीं दिख रहे हैं तो उन पर असामाजिक तत्वों से जनता की सुरक्षा कैसे होगी जो दिखते भी नहीं है। जनता की हिफाजत करना सरकारों का सबसे संवेदनशील कर्तव्य है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक अन्य पोस्ट कर आवारा पशुओं की समस्या को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इस पोस्ट में उन्होंने बाग बकरी चाय के कार्यकारी निर्देशक पराग देसाई की मौत पर शोक जताया और पोस्ट कर लिखा, गुजरात के जाने माने युवा उद्योगपति श्री पराग देसाई जी की आवारा पशुओं के हमले के कारण हुई मृत्यु अत्यंत दुखद है। श्रद्धांजलि, ये दुर्घटना इन अर्थों में दुर्भाग्यपूर्ण है कि आवारा पशुओं की समस्या को लेकर ये सरकार गंभीर नहीं है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि इस समस्या से निपटने का सिर्फ वादा किया गया है लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि ये समस्या बड़ी है और हर दिन जानलेवा साबित हो रही है। सभा अध्यक्ष ने कहा कि इस समस्या को सुलझाने की जरूरत अब अनिवार्यता बन गई है। तमाम और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।